नेक्स्ट बिजनेस एनालिसिस जो रिटेलर करता है दैट इज़ रिलेटेड टू प्रोडक्टिविटी और उसको हम कह रहे हैं इम्प्लॉई की प्रोडक्टिविटी नॉर्मली रिटेल स्टोर के अंदर एक एम्प्लॉय की इम्पोर्टेंस इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि जितनी ज़्यादा रिटेल स्टोर के अंदर स्टाफ की प्रेजेंस होगी उतना ज़्यादा कस्टमर से बेहतर तरीके से वो इंटरक्ट कर सकेंगे प्रोडक्ट को मर्चेंडाइज कर सकेंगे डिस्प्ले को इम्प्रूव कर सकेंगे और अल्टीमेटली सेल्स को इनक्रीज़ कर सकेंगे लेकिन इन जनरल हमेशा रिटेलर ये ज़रूर कैलकुलेट करता है कि मेरा एक एम्प्लॉई कितना प्रोडक्टिव है मेरे बिजनेस के लिए तो इसकी कैलकुलेशन के लिए हम क्या फार्मूला यूज़ करते हैं मैं आपसे शेयर करने लगाऊँ एम्प्लॉई प्रोडक्टिविटी के लिए एक रिटेलर जो फार्मूला यूज़ करता है वो है टोटल सेल्स ऑफ द बिजनेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एफ टी हैं फुल टाइम एम्प्लॉयीज़ क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ भी होते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग कॉन्ट्रेक्चर एम्प्लॉयज़ भी होते हैं तो हम यहाँ पर जब एक रिटेलर कैलकुलेशन करता है वो कैलकुलेशन करता है फुल टाइम एम्प्लॉय की बेसिस के ऊपर और फॉर्मूला बहुत सिंपल है बिज़नेस का रेवेन्यू कितना है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एफ्टीज़ और इससे जो आउटकम एक्सपेक्टेड है वो ये है कि एक रिटेलर ये जानना चाहता है कि मेरा एक एम्प्लॉई कितना बिजनेस जनरेट कर रहा है मेरे बिजनेस के लिए लेट से वो एक हज़ार रुपये जनरेट कर रहा है वो दस हज़ार रुपये जनरेट कर रहा है वो एक लाख रुपये जनरेट कर रहा है वो वन मिलियन जनरेट कर रहा है सो so, मेरा एक एम्प्लॉई एक्चुअली कितना बिजनेस जनरेट कर रहा है सो एम्प्लॉई प्रोडक्टिविटी को हर साल इंक्रीज़ करता है एक रिटेलर प्लान करता है कि वो एम्प्लॉई प्रोडक्टिविटी को बेहतर करे और बेहतर करने के दो ही तरीकेकार हैं पहला तरीके कार ये है कि वो अपनी सेल्स को इंक्रीज करे तो ऑफ कोर्स जब सेल्स इंक्रीज होंगी ऑटोमेटिकली एम्प्लॉई प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी और दूसरा तरीके कार्य ये है कि अगर सेल्स इंक्रीज़ नहीं हो रही है तो उसको अपने नंबर ऑफ़ एफ़ को नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयीज़ को रिड्यूस करना है तो अगर वो तब नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ को रिड्यूस करेगा तो तब भी उसकी इम्प्लॉ प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी सो बेस्ट सोलूशन एम्प्लॉ प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने का यही है कि अपने बिजनेस रेवेन्यू को इंक्रीज़ किया जाए रिटेलर अपनी सेल्स को इंक्रीज करे हम डिस्कस करते हैं फॉर्मूला को फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बिजनेस का एक रिटेलर की जो सेल्स हैं वो वन मिलियन है फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक मंथ की उसके नंबर ऑफ़ एफ टीज़ नंबर ऑफ़ फुल टाइम इम्प्लॉयीज़ जो हैं वो हंड्रेड है मीन्स इन हंड्रेड इम्प्लॉयिज़ ने एक्चुअली ये वन मिलियन का बिजनेस जनरेट किया है सो एम्प्लॉई प्रोडक्टिविटी जिसको मैंने यहाँ ई पी के नाम से लिखा है सो एम्प्लॉ प्रोडक्टिविटी बड़े आसानी से कैलकुलेट हो सकती है वन मिलियन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इंप्लॉइजरे तो हमारे पास जो इंप्लॉई प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट होके आ गई वो आ गई टेन थाउजेंड रुपी कंज्यूमिंग के जितने अमाउंट्स हैं वो रूपी के अंदर है सो विच मीन्स के दस हजार रुपए का बिजनेस रेवेन्यू की सेल्स एक एम्प्लॉय जनरेट कर रहा है उस पर्टिकुलर रिटेल स्टोर के अंदर तो so, रिटेलर फॉर एग्जाम्पल जिस साल उसने बिजनेस स्टार्ट किया वो कैलकुलेट करता है कि मेरी फर्स्ट मंथ में प्रोडक्टिविटी जो है वो दस हज़ार रुपये है पर एम्प्लॉई पर एफ टी नेक्स्ट ईयर में कितनी है नेक्स्ट मंथ में कितनी है आफ्टर थ्री मंथ्स कितनी है आफ्टर सिक्स मंथ कितनी है आफ्टर टू ईयरस कितनी है सो so, वो इस पीरियड को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसकी कैलकुलेशन करता है कि किस तरीके से वो अपनी एम्प्लॉई प्रोडक्टिविटी को बेहतर कर सकता है इंप्रूव कर सकता है अब फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर वो अपनी एम्प्लॉई प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना चाह रहा है लाइट से दिस वाज द मंथ जो हमने एग्जांपल डिस्कस की अज्यूम कर लें कि ये मंथ वन था ठीक है अब वो टारगेट ये सेट करता है कि मैं अपनी एम्प्लॉ प्रोडक्टिविटी को दस से मैंने लट से ग्यारह पर रुपीज़ पर इम्प्लॉई या बीस हज़ार पर डबल कर लेते हैं कि कैलट से उसका उस बहुत एम्बिशियस है और उसने कहा कि मुझे ट्वेंटी थाउजेंड एफ पर एफ जो है मैं चाहता हूँ कि मेरी प्रोडक्टिविटी हो जाए तो इस सूरत में उसको दो काम कर रहे होंगे अपनी सेल्स को क्या करना होगा ऑफकोर्स अगर अभी सेल्स वन मिलियन है और वो प्रोडक्टिविटी को डबल करना चाह रहा है तो उसको क्या करना होगा अपनी सेल्स को भी डबल करना होगा यानी कि सेल्स को वन मिलियन से बढ़ाकर टू मिलियन करना होगा तभी ये दस हजार के बदले ट्वेंटी थाउजेंड पर एफ टी एम्प्लॉई प्रोडक्टिविटी वो अचीव कर सकेगा या दूसरा काम क्या करना होगा अगर यही सेल्स रहेगी वन मिलियन की यही सेल्स रहे इसमें कोई चेंज ना आए वन मिलियन की सेल्स ही रहे तो उसको क्या करना पड़ेगा उसको नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ को नंबर ऑफ़ एफ को रिड्यूस करना पड़ेगा ताकि वो अपने टारगेट ऑफ ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज़ पर एफ को पर एम्प्लॉयी को अचीव कर सके सो so, रिटेलर के लिए इम्प्लॉयी प्रोडक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है रिटेल क्योंकि ये दोनों पैरामीटर्स उसको कितने बंदे चाहिए यह डिटरमिन करता है वो इस बात से कि उसकी एम्प्लॉई की प्रोडक्टिविटी कितनी है और उसका टारगेट ये है कि वो हर दफ़ा हर साल हर महीने अपनी प्रोडक्टिविटी को बेहतर करें ऑफकोर्स रिटेल सेक्टर के अंदर इसकी बेंच मौजूद है कि एक एम्प्लॉई प्रोडक्टिविटी कितनी होनी चाहिए लेकिन ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री और सेगमेंट टू सेगमेंट वेरी करती है